मध्य प्रदेश में सरकार ने 1,29,00,000 महिला के खाते में लाडली बहना की 1,250 रुपए की किस्त डाल दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड लोकसभा के अटेर में कहा कि रघुगुल जीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी बहनों के खाते में 1,250 रुपए भेज दिया है। खातों में पैसे डालने के 72 घंटे बाद 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। सरकार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग करने वाली बहनें इस फेज में खातों पे पैसा आने के बाद वोटिंग के लिए हर हाल में घरों से निकलेंगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में घटी वोटिंग ने चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर महिलाओं का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में भी तेजी से बढ़े। बता दें, प्रदेश में चुनाव के अंतिम 2 चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने कांग्रेस से अधिक चिंता भाजपा को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों में भोपाल पर प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए उन विधायकों की रिपोर्ट मंगाई है जिनके यहां कम वोटिंग हुई है। इस मामले में खासतौर पर मंत्रियों के इलाकों की रिपोर्ट पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। संगठन के मुताबिक शाह ने कम वोटिंग वाले मंत्रियों को हटाने और अच्छी वोटिंग वाले विधायकों को मंत्री बनाने को कहा है। इस बीच बीजेपी संगठन चुनाव प्रबंधन की बैठकों के माध्यम से वोटिंग बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर मतदान केंद्रों पर संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 34 विधानसभा सीट पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से अधिक थी। इसके अलावा 2 दर्जन सीटें ऐसी भी रहीं जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच वोटिंग का अंतर 1-3% तक ही कम रहा। इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि महिलाएं विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए घर से न सिर्फ बाहर निकली बल्कि अपने घरों के मतदाता परिजनों को भी साथ ले जाकर वोट डलवाया। इस बार लोकसभा चुनाव में स्थिति विपरीत है, महिलाएं वोट डालने नहीं पहुंच रही हैं। इस कारण उनका खुद का वोटिंग प्रतिशत तो गिरा है, पुरुषों का भी वोट प्रतिशत गिर चुका है जो कि बीजेपी कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने बीजेपी ने इसके साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को भी साधने का काम किया है। सूत्रों का कहना है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स समेत विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भाजपा नेता मदद ले रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के नेता इन संगठनों को आगे करके मतदान केंद्रों में शीतल पेय, टेंट और छाया तथा अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयासरत है ताकि लोग वोट डालने निकले और किसी तरह की दिक्कत न होने की जानकारी शेयर कर एक दूसरे को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने का भी काम करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।